और झांसी जिले के चिरगांव थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं दर्जन भर से भी ज्यादा लोग घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को आनंद फानन में खाई से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं चिकित्सकों ने चेकअप के बाद 11 लोगों को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रहने वाले कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से मंदिर जा रहे थे जो चिरगांव क्षेत्र में स्थित है। अचानक किसी जानवर के आ जाने से ब्रेक मारे और उसी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली दोनों पलट के जो पास का खेत है उसमें जा गए। उसमें धान लगा हुआ था जिसमें पानी था, उसी वजह से कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई है। अभी पुलिस प्रशासन मौके से जितने भी घायल हैं उन सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। से जो विधिक प्रक्रिया उसको पुलिस संपन्न कर रहा है। कितने लोगों की मौत हुई है सर इसमें? अभी ये डॉक्टर साहिबान ही बता पाएंगे एग्जैक्ट क्या है, लेकिन लगभग 15 लोग घायल थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है जिसमें से कुछ लोगों की मौत की सूचना आ रही है। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक भीषण हादसा हो गया है जिसमें 11 की मौत हो गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तमाम आला अधिकारियों ने स्थानीय चिरगांव अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि पंडोखर से जवारे विसर्जन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्राली छरौना के हेड पुल के पास पलट गई, जिसमें महिलाओं समेत 7 महिलाएं और 4 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं तमाम मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने घायलों को इस नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यह घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। धीरेंद्र राय के बाद GMB न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMDNews।